हरे कृष्णा राधे राधे। वेलकम बैक टू हैप्पी लाइफ विद कान्हा जी, जिसकी आज की वीडियो में आप हैं शिवानी के साथ। हैप्पी लाइफ विद कान्हा जी की आज की इस वीडियो में हम अहोई अष्टमी व्रत की कथा सुनेंगे। अहोई अष्टमी व्रत की कथा अकेले नहीं सुनते हैं, इसीलिए पहले सुन लेते हैं गणेश जी की कथा। एक बुढ़िया माई थी, मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी, रोज बनाए रोज गल जाए। एक सेठ का मकान बन रहा था, वह उससे बोली, मेरा पत्थर का गणेश बना दो। मिस्त्री बोली, जितने हम तेरा पत्थर का गणेश बनाएंगे उतने में तो हम अपनी दीवार ना चिन लेंगे। बुढ़िया बोली, राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब उनकी दीवार टेढ़ी हो गई, वो चिने और ढा देवे, चिने और ढा देवे। इस तरह करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ आया तो कहने लगा, आज कुछ भी नहीं किया। वो कहने लगे, एक बुढ़िया आई थी, कह रही थी मेरा पत्थर का गणेश गढ़ दो, हमने नहीं गढ़ा तो उसने कहा तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। सेठ ने बुढ़िया बुलवाई। सेठ ने कहा, हम तेरा सोने का गणेश गढ़ा देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया को सोने का गणेश गढ़ा दिया, सेठ की दीवार सीधी हो गई। जैसे सेठ की दीवार सीधी की, वैसे ही सबकी करना, कहने वाले की, सुनने वाले की, हुंकारा भरने वाले की। बोलो गणेश जी महाराज की जय। अहोई माता की कहानी इस तरह से है। एक नगर में एक साहूकार रहा करता था। उसके सात लड़के थे, सात बहुएं थी और एक बेटी थी। दीपावली से पहले कार्तिक बदी अष्टमी को सातों बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में मिट्टी लेने गई। जहां से वे मिट्टी खोद रही थी वहां पर स्याहू सेहे की मांद थी। मिट्टी खोदते समय ननंद के हाथ से सेही का बच्चा मर गया। स्याहू माता बोली कि अब मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननंद अपनी सातों भाभियों से कहने लगी, तुम में से एक मेरे बदले कोई अपनी कोख बंधा लो। सभी भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, पर छोटी भाभी सोचने लगी, यदि मैं कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज हो जाएंगी। ऐसा सोचकर ननंद के बदले छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधा ली। उसके बाद उसे जो भी बच्चा होता वह सात दिन बाद मर जाता। एक दिन साहूकार की स्त्री ने पंडित जी को बुलवाया और उनसे पूछा कि क्या बात है, मेरी इस बहू की संतान सातवें दिन क्यों मर जाती है। तब पंडित जी ने बहू से कहा कि तुम काली गाय की पूजा किया करो। काली गाय स्याहू माता की भाईली है, जब वह तेरी कोख छोड़ेगी तब तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद से वह बहु प्रातःकाल उठकर चुपचाप काली गाय के नीचे सफाई आदि कराती। एक दिन गाय माता बोली कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, आज मैं देखूंगी। उस दिन गौ माता खूब तड़के ही जाग गई तो देखती क्या है कि साहूकार के बेटे की बहू सफाई कर रही है। गाय माता ने उससे कहा, तुझे किस चीज की इच्छा है जो तू मेरी इतनी सेवा कर रही है, मांग, क्या चीज मांगती है। तब साहूकार की बहू बोली कि स्याहू माता तुम्हारी भाईली है, उन्होंने मेरी कोख बांध रखी है, उनसे मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा। तब गौ माता सात समुंदर पार अपनी भाईली के पास उसको लेकर चली। रास्ते में बहुत धूप थी, इसीलिए दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में वहां एक सांप आया। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी के बच्चे थे, वह उनको मारने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप को मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। जब थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहां खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकार की बहू बोली कि मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा है, बल्कि जो सांप तेरे बच्चे को डसने आया था उसे मैंने मारा है, मैंने तो तेरे बच्चों की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी खुश हो गई और बोली कि मांग, तू क्या मांगती है। तब वह कहने लगी, सात समुंदर पार स्याहू माता रहती है, मुझे तो उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाया और स्याहू माता के पास पहुंचा दिया। स्याहू माता उन्हें देखकर बोली, आ बहन, बहुत दिनों बाद आई है।
फिर वह कहने लगी, बहन मेरे सिर में जूं पड़ गई हैं। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने सिलाई से उसकी जूएं निकाल दी। इस पर स्याऊ माता प्रसन्न होकर बोली कि तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं हों। साहूकार की बहू बोली, मेरा तो 1 भी बेटा नहीं, 7 कहाँ से होंगे। तब स्याऊ माता कहने लगी, वचन दिया, वचन फिरूं तो धोबी के कुंड पर कंकरी हूं। साहूकार की बहू बोली, माता मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुनकर स्याऊ माता कहने लगी, तूने तो मुझे ठग लिया, मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, पर अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर में तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी, तू जाकर उजमन करना, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करना। वह घर लौट आई तो देखा 7 बेटे 7 बहुएं बैठी हैं। वह खुश हो गई, उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमन किए, 7 कढ़ाई की। दिवाली के दिन जेठानियां आपस में कहने लगी, जल्दी जल्दी पूजा कर लो, कहीं छोटी बहू बच्चों को याद करके रोने ना लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देखो कि वह आज अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने देखा और वापस जाकर कहा कि चाची तो कुछ मांड रही है, खूब उजमन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी उसके घर गई और पूछने लगी, तुमने कोक कैसे छुड़ाई। वह बोली, तुमने तो कोक बंधाई ही नहीं, मैंने बंधा ली, अब स्याऊ माता ने कृपा करके मेरी कोक खोल दी है। स्याऊ माता ने जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोक खोली, उसी प्रकार सबकी खोलें, हमारी भी खोलियो, कहने वाले की, ओंकारा भरने वाले की, सुनने वाले की, सब परिवार की खोलियो। अहोई माता की जय।